महिला दिवस पर पूर्व नगर सेविका रीटा शाह ने स्थानिक महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित कर उनको शुभकामनाएं दी। साथ महिलाओं के मनोरंजन हेतु कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर उनका उत्साह बढ़ाया। आगे बढ़ना, ऐसा बोला नहीं कि ये लड़की का काम नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते, सब लोग साथ में मिलके कर सकते हैं। अभी कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं? अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ, प्रोफेसर। और मैं एक ट्रिपल ए अजरा रेस्टोरेंट एक्टिव करके ग्रुप चलाती हूँ, जिसमें जिन लोगों को कोई नहीं रहता है उसको हम लोग टिफिन देते हैं। जे बच्चों को फीस नहीं भर सकते हम लोग भर देते हैं, उसका पूरा ग्रुप है मेरा, वो हमारा गुरुदेव की असीम कृपा है। वो हिसाब से बस मेरा नंबर है 8097250287 अल्पा गोपाल। अपने अपने कार्य क्षेत्र में मुकाम हासिल करने वाली कई महिलाओं को मंच से सम्मानित किया गया। प्रमुख रही पुलिस भरोसा सेल की संचालक API तेजश्री शिंदे। पुलिस आयुक्तालय में जो भरोसा सेल है उसका बेसिकली काम ही ये है कि महिलाओं के लिए, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए और बच्चों के लिए काम करना। तो महिला दिन के अवसर पे जहाँ जहाँ पर भी मीरा भाईंदर में प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहाँ वहाँ जाके मेरा बेसिक यही काम है कि सारी औरतों को ये ज्ञान देना कि भरोसा सेल है। अगर आपके घर में ऐसी कोई भी चीज़ें होती है तो आप हिंसा को ना सहे, घरेलू हिंसा को ना सहे, भरोसा सेल के ऊपर भरोसा रखें और आप हमारे पास आइए। क्योंकि भरोसा सेल के वक्त भी उन्होंने बहुत सहायता की थी और उन्हीं के फंड से हमारा जो भरोसा सेल है वो शुरू होने के लिए बहुत बड़ी मदद मिली थी। तो डेफिनेटली जब ऐसी औरतें सामने आती है, काम करती है समाज में, तो हमारा सर बहुत फक्र से ऊँचा होता है। मंच से सम्मानित महिलाओं ने कार्यक्रम में आई सभी महिलाओं को अपने व्यस्त जीवन में शारीरिक और मानसिक मजबूती व शिक्षा का महत्व समझाया। मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं योगा सिखाती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखती है, सब कुछ करती है, भागती है, मतलब पूरे दिन वो काम करती है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचती है कि उनको अपने लिए भी टाइम निकालना है। तो मेरा सभी महिलाओं के लिए ये मैसेज है कि वो अपने लिए एवरी डे कम से कम 30 मिनट निकालें और योगा करें, एक्सरसाइज करें, उनको जो अच्छा लगता है वो सब कुछ करें। बिकॉज जब तक आप खुद खुश नहीं रहोगे आप दूसरों को खुश कैसे रख सकते हो। ठीक है, तो खुद से भी प्यार कीजिए तभी आप दूसरों को प्यार दे पाओगे। सबसे पहले तो महिला दिवस पर रीटा मैडम ने हमें इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये रीटा मैडम हर साल हर टाइम महिला दिवस पर इस तरह से आयोजन करते हैं और लोगों को, लेडीज लोगों को इंस्पायर करने के लिए हमेशा उनको उत्साहित करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। तो उन्होंने इस बार मुझे भी, मेरा नाम पिंकी है, मैं एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और मुझे उन्होंने इस लेवल में आज भी इतना आगे पहुंचे तो उन्होंने सम्मानित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे क्लासेस चालू रहते हैं, मैं भाईंदर में क्लासेस भी लेती हूँ और सीजन पे मेरे जैसे वर्कशॉप्स रहते हैं, जैसे मैं पोर्ट्रेट, खुद के फेस बनाना है, वो सारे मैं बनाती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली करवा चौथ पे मौनी रॉय का मेहंदी किया था। कार्यक्रम में आई महिलाओं ने अपने बचपन के दिन याद करते हुए अपने अपने अनुभव साझा किए। मैसेज मैं यही दूंगी कि रीटा मैम से इंस्पायर होना है हर एक लेडी को, जितना वो काम कर रही है बालाजी नगर के लिए और सभी के लिए उतना यदि हम कर सके तो बहुत बड़ी बात होगी। उनसे यदि थोड़ा सा भी कुछ हम सीख ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और कोरोना में तो उन्होंने इतनी हेल्प की है हम लोगों की, बस पूछो हिम्मत। नगर सेविका रीटा शाह ने सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नियोजित कई योजनाओं की जानकारी देते हुए उसका लाभ उठाने की बात कही। महिलाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, अपने फर्ज के लिए वो हमेशा तत्पर रहती है लेकिन वो अपने अधिकार मिल जाती है, अधिकार के लिए हमेशा लड़ना चाहिए उनको। दूसरी बात, मैंने ये महिला दिन निमित्त एक ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने रखा है। दूसरी जो योजना है मोदी जी ने हमारे देशवासियों के लिए दी है, वो सारी योजनाओं के बारे में महिलाओं को, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कहाँ कैसी कौन सी योजना चालू, ये सारी योजनाएं बताने के लिए भी मैंने ये प्रोग्राम रखा था। और आने वाले वक्त में भी मैं सीनियर सिटीजन के लिए भी खेल रखने वाली हूँ, बहुत सारी प्रतियोगिता रखने वाली हूँ मीरा भाईंदर के अंदर, कि हर लड़की को पढ़ना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान जो आज मेरे स्कूल में है, मेरी स्कूल है तो मुझे पता है कि हर बच्चे तक वो सर्व शिक्षा अभियान पहुंचना चाहिए, शिक्षण उनका उनकी अधिकार है। जैसे कोई महिला विधवा है और उनके उनके बच्चों की शादी होती है तो शादी के लिए एक महानगर पालिका में फॉर्म होता है,
वो फॉर्म भरने के बाद में उसको 25,000 तक की मदद वो फॉर्म के द्वारा मिलती है। लड़कियों के लिए भी योजना है मोदी जी ने निकाली है, वो योजनाओं के बारे में भी मैंने यहाँ की महिलाओं को बताया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे बीजेपी जिलाध्यक्ष रवि व्यास ने सभी महिलाओं को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। और अपने आप के अंदर यहाँ पे भारी संख्या के अंदर हमारी माता बहनें आई है, यहाँ पे कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसके अंदर महिलाओं ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, अपने आप के अंदर सभी लोगों ने उत्साहवर्धक इस कार्यक्रम को मनाया। साथ में इस कार्यक्रम के अंदर महिलाओं की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, कई सारे प्रशिक्षण हो, चाहे रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन सभी क्षेत्रों के अंदर किस तरीके से महिलाओं को सक्षम बनाया जा सकता है, किस तरीके से महिलाओं का विकास किया जा सकता है, इसके बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन उन्हें मिला।